नमस्कार, बोल्स्काई में आपका स्वागत है। गर्मी के मौसम में जो सबसे टेस्टी और जूसी फ्रूट है जिनको पसंद किया जाता है, उनमें एक लीची भी है। लाल लाल लीची को देखते ही उसको खाने का मन कर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जूसी फ्रूट को खाने का भी एक सही तरीका होता है? अक्सर लोग लीची को खाने से पहले उसे पानी में डुबोने की सलाह देते हैं। इसके कई कारण होते हैं, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि लीची को खाने से पहले उसको पानी में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बता दें कि लीची एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी होती है। सैचुरेटेड फैट नहीं होने के कारण लीची खाने से वजन नहीं बढ़ता है। अब बात करते हैं कि आखिर उसको पानी में भिगो कर क्यों रखा जाता है। तो बता दें कि लीची की तासीर गर्म होती है। इसका थर्मोजेनिक गुण हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। यदि हम बिना भिगोए लीची को खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम, सिर दर्द और लूज मोशन की समस्या हो सकती है। इन दिनों पेस्टिसाइड्स का प्रयोग भी काफी बढ़ गया है। यदि हम लीची को सिर्फ टैप वाटर से धोकर खा लेंगे तो इन पेस्टिसाइड्स के दुष्प्रभावों से नहीं बच पाएंगे। इससे त्वचा और आंखों में जलन, जी मिचलाने की समस्या भी हो सकती है। वहीं लीची को खाने के बाद शरीर में गर्मी पैदा होती है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो सकता है। गर्म होने के कारण गले में खराश होने की समस्या भी हो सकती है। लीची के छिलके थोड़े सख्त होते हैं। यदि वे सूख जाते हैं तो उन्हें पील ऑफ करना मुश्किल हो जाता है। पानी में डुबोने से न सिर्फ छिलके पर लगी धूल मिट्टी साफ होती है, बल्कि उन्हें उतारना भी आसान हो जाता है। तो संभव हो तो ताजी लीची कुछ देर पानी में भिगोई हुई खाने का ही प्रयास करें। इससे आपको सभी पोषक तत्व मिलेंगे। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं और दवा ले रहे हैं, तो अगर आप भी लीची का सेवन कर रहे हैं तो उसको पानी में भिगोने के बाद ही उसका सेवन करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।